राहुल मेरे भाई हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिन के बाद में वीडियो आ रही है। आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने। सर्विस भी बहुत टाइम हो गया, एटलीस्ट एक साल हो गया पूरा, पर चली नहीं है मेरी। 5000 किलोमीटर पर होनी थी एक्चुअली, वो मैं करवा नहीं पाया, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जा ही नहीं पा रहा था। आज टाइम निकाल के जा रहा हूँ सर्विस करवाने, क्या क्या उसमें चेंज होगा, क्या क्या सर्विस जो वो लगाएंगे, कितना खर्चा आएगा, सब मैं बताऊंगा डिटेल में। तो जो भी भाई, जो भी मेरे भाई अपनी R15 V3 यूज़ कर रहे, चला रहे, तो वो इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी मैं देखता हूँ क्या क्या चेंज हो रहा, अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं उसमें चेंज भी करवाऊँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। चलते हुए नीचे बाइक की वजह से हालत काफ़ी टाइम से खड़ी है, कैसी हालत हो गई उसकी ये भी देख लें। हवा भी निकल गई थी, हवा कर ली मैंने, रिफिल कराई है उसमें, थोड़ी चला के देखते हैं कैसी चल रही है हमारी बाइक, और फिर करवाते सर्विस। और बहुत जल्दी एक लॉन्ग टूर भी लगने वाला, उसके लिए ही मैं जा रहा हूँ, सर्विस कराऊँगा सारी, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो सब इशू जो भी सब खत्म करवाना है इसमें। चलते हैं बाइक को, इतने दिन के बाद चला रहा हूँ, लेकिन चलाने का मज़ा है ना उसका अलग ही है यार। और इतने दिन के बाद जो चलाते हैं तो उसका तो अलग ही मज़ा आ रहा है। कंट्रोलिंग भी क्या जबरदस्त है बाइक की यार। अब देखते हैं सेकंड सर्विस होने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आती है बाइक के अंदर, शेयर ज़रूर करूँगा आपको। होप शायद इसका पिकअप खुल जाए। एवरेज तो खैर है ही बढ़िया इसकी, एवरेज का तो कोई तोड़ है ही नहीं। पिकअप में भी शायद इम्प्रूवमेंट आए इसकी, स्मूथनेस आए चलने में शायद, जो भी फ़र्क आएगा मुझे लगेगा वो मैं आपको शेयर करूँगा। सेकंड सर्विस भी यार बहुत ज़्यादा डिले होगी, करनी नहीं चाहिए थी मुझे। चीज़ भी केयर करनी चाहिए, पर क्या करें यार, बहुत ज़्यादा फंस चुका था काम में, और कुछ ऐसी इमरजेंसी भी आ गई थी कि निकल ही नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, जो भी होता अच्छा ही होता है यार। अब देखते हैं हमारे आगे क्या बोलते हैं, जो भी होगा। A few moments later. जनरल चेकअप होगा, चेंजमेंट टायर कर दिया है, बाकी ये फिल्टर साफ हो गया। क्या क्या होने वाला है इसमें? इंजन ऑयल डलेगा और एयर फिल्टर साफ होगा, इंजेक्टर क्लियर होगा। बाकी भी फिल्टर कर दिया है, बाकी और भी चेकअप होगा। चेंज कर दो भाई, चेंज कर दो इसमें भी, और जी भाई ये पेज ये हो गया हमारा एक वीडियो। एक्चुअली हुआ क्या कि 5000 किलोमीटर पर चली और डेढ़ हो गए ज़्यादा,
तो ये जो सर्विस थी सेकंड सर्विस होनी थी, लेकिन मेरी डेज के हिसाब से हुई चौथी सर्विस, क्योंकि 390 डेज होते हैं और 270 डेज मतलब क्रॉस कर गई थी। तो क्या कर सकते हैं, समझाया उनको बहुत, लेकिन उन्होंने अपने जो रूल है उसके हिसाब से चले हैं। मेरी फोर्थ सर्विस हुई है फ्री है, लेकिन जो सामान लगा उसका मैंने अमाउंट भरा और वो मैंने लगा एफ ऑफ के कम्प्लीट 1900 मेरी सर्विस हुई, जिसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और फिर इलेक्ट्रिक क्लीनर था और चेंजिंग वगैरह थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो मेरा 1900 है, हो गया। लेबर का कोई चार्ज लगा नहीं, रिलैक्स थी पेड सर्विस, अब जो भी होगी पेड सर्विस होगी, बट हमारा सब कुछ था इसलिए मैंने सब कुछ करा दिया। क्योंकि अब जान ये बाइक इतनी लंबी तो सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बस एक चीज़ रहेगी मेरे रोड साइड असिस्टेंट को वहाँ लेने में RS, बस ये कम्प्लीट हो जाएगी। RS से वहाँ बेनिफिट ये है कि कहीं भी खराब होगी तो वहाँ से वो अपना उठा के ले जाएंगे, बस चाहे लद्दाख हो कहीं ऑल ओवर इंडिया में ले जाएंगे, एक साल तक वैलिड होता है। और ज़्यादा चार्ज नहीं है उसका, 308 रुपये है, वो मैं करा लूँगा अभी, तो अभी करा लेता पर इसलिए नहीं हो पाएगी, अभी तो वैलिड है 3-4 दिन और जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक वो हो नहीं पाएगी। बस यही था, अब बाइक चल रही है बढ़िया, बस अब तैयारी करनी है जो अपने और चीज़ें लगानी मुझे बाइक में, पहने वगैरह उसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा जब करवाऊंगा। इसको अगर तुम नहीं कहें वीडियो अगर अच्छी रहे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बस एक मैसेज देना था कि कितना खर्चा होने वाला, कैसे कैसे सर्विस हुई वो आपको दिखाई दिया। बाय बाय।